गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोलकाता। दिस इज़ अमन साहू एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और अपना बाइक पूरा रेडी है कहाँ जाने के लिए, सिक्किम जाने के लिए। और ये है कोलकाता टू सिक्किम का पहला एपिसोड। यहाँ पे हम लोग जाएंगे कोलकाता से निकल के सिलीगुड़ी, जो कि अराउंड 560 किलोमीटर्स के आसपास है। और अभी अपनी बाइक पूरी रेडी हो चुकी है, सब कुछ, सैडल बैग लग चुका है, टॉप बॉक्स लग चुका है, बाइक में सारे काम हो चुके हैं, एकदम बाइक फुल टू रेडी है जाने के लिए। मैं सोलो नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ जा रहे अभिषेक भैया जी। तो अभिषेक भैया जो हमारे साथ पूरी राइड में साथ रहेंगे, पूरा राइड को हमारे साथ इंजॉय करेंगे। अभी फटाफट राइड को स्टार्ट करते हैं, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है आज का, तो चलिए चलते हैं। ओके, गूगल मैप को यहाँ पे लगा लेते हैं। और यहाँ पे अभिषेक भैया पीछे ऐसा बिलियन बैठ गए हैं, कंफर्टेबल? अब यहाँ पे बैठना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, ये मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ये डेली का एक्सरसाइज है अब तो। हाँ सही है, चलो। अभी 4 दिन पहले मैं इस राइड के लिए जितना ज़्यादा एक्साइटेड था, अभी मैं उतना ही ज़्यादा नर्वस फील कर रहा हूँ। पता नहीं ये नर्वसनेस मुझ में कहाँ से आ रही है, बस बहुत ज़्यादा डर सा लग रहा है। अलग सा फीलिंग होता है कि एक सप्ताह के लिए जा रहे बाहर राइड पे, सबसे दूर बाइक पे वो भी। और वैसे मैं अभी अपना पल्सर 220 मेरा फुल्ली लोडेड है, पीछे सैडल स्टे विद सैडल बैग विद टॉप बैग, और टैंक बैग मैंने नहीं लगाया क्योंकि मुझे बिल्कुल भी झोल झमेला पसंद नहीं है राइडिंग के समय। ओ डॉगी भाई, क्यों डर रहे हो, आ जाओ जाओगे। उम्मीद करते हैं अभी का सिनेमैटिक आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। अभी बज रहा है 10:24 और अभी हम लोगों ने नदिया क्रॉस करके मुर्शिदाबाद में एंटर किया है। और मुर्शिदाबाद में आते ही भूख लग गया तो खाने के लिए रुक गए। यहाँ पे पूरी और पराठा तो नहीं है, भात और रोटी है, तो भात अभी खाएंगे नहीं, भात खाएंगे 2-3 बजे के लगभग में। अभी यहाँ पे रोटी का ऑर्डर दिए तो रोटी आएगा, साथ में देखते हैं क्या देते हैं, खाते हैं मजे से। अभी इसी होटल में रुक करके ब्रेकफास्ट किए थे, माँ तारा घोष होटल। और यहाँ से अभी सिलीगुड़ी का डिस्टेंस है 391 किलोमीटर, 9:13। और अभी टाइम हो रहे 11:20, 10:20 में यहाँ रुके थे, मतलब पूरा 1 घंटा यहाँ पे बर्बाद। और अब रियल चैलेंज शुरू होता है इस ट्रिप का, ऑल ओवर ट्रिप का, क्योंकि सिलीगुड़ी के बाद जो राइड होने वाला है वो डेली 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर का राइड होने वाला है। और उधर पहाड़ है, नज़ारा है, मतलब पूरा मौज में गुजरने वाला है उधर का दिन। बट ये वाला जो अभी यहाँ से एकदम स्ट्रेट रास्ता आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर हालत ख़राब हो जाएगा। कहीं कहीं ऐसे रोड है, कहीं कहीं अच्छे रोड है। अच्छे रोड सिर्फ वहीं पे मिल रहे हैं जहाँ पे टोल प्लाजा है। टोल प्लाजा के अगल बगल, मतलब आगे पीछे 20-30 किलोमीटर का रोड एकदम मक्खन रोड है, वहाँ पे अच्छे से टान पा रहे हैं, बाकी कहीं नहीं। और वेदर की बात करूँ तो सूरज मामा अपना फुल चार्ज दिखा रहे हैं, गर्मी लग रही है बट हवा भी चल रही है, एडजस्ट हो जा रहा है, कोई बात नहीं। कल से तो स्नो में ही रहना है, ठंडा ठंडा हवा खाना है पहाड़ों में, तो आज थोड़ा सा ये झेल लेते हैं। मैंने तो सुना था कि ज़िंदगी इम्तिहान लेती है, बट गूगल मैप आज हमारा इम्तिहान ले रही है। इतना धूप में इस तरह का रास्ता से ले के जा रही है, इतना जैम है। यहाँ पे देखो, इधर पे बाईपास है, हाईवे वाला रोड है, उधर पे डायरेक्ट नहीं उठा करके इधर क्या पता कहाँ से ले के जा रही है ये गूगल मैप, समझ में नहीं आ रहा कुछ क्या करना चाहती है। कोई नहीं, इसके अलावा तो हम लोग जा भी नहीं सकते हैं, इसी के भरोसे चलते हैं जहाँ से ले जाए अब। दोस्तों अभी मैं आप लोगों को एक मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो मेरा हैंडल बार, ध्यान से देखना, ये देखो कैसे काँप रही है। ये वाला भी चेंज हो चुका है, मतलब यहाँ पे जो बॉल बेयरिंग रहती है वो भी चेंज हुई है, फ्रंट व्हील में जो बॉल बेयरिंग रहती है वो भी चेंज हुई है, बट फिर भी ऐसे ऐसे कप रही है। और ये जो मेरा मोबाइल होल्डर देख रहे हो ना, ये एक्चुअली एक मोबाइल होल्डर आता है विथ चार्जर, वो वाला लगाने से ना ये हैंडल से भी ज़्यादा कपता है वो, और उसमें तो ऐसा लगता है जैसे कि अभी फ़ोन गिर जाएगा। इसीलिए मैंने एक जुगाड़ करा, जुगाड़ में मैंने ये वाला जो विदाउट चार्जर आता है मोबाइल होल्डर वो लगाया, जो कि कम सेक हो रही है। और जो मोबाइल चार्जर है वो मैं अलग से नीचे तरफ टाई कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, तो अभी थोड़ा सा अच्छा है, मतलब पूरा फिक्स हो चुकी है, इतना तो वाइब्रेट होगी यार चाहे कोई भी बाइक हो। हम लोग एक टोल गेट के सामने पहुंच चुके हैं, बरहमपुर फरक्का का टोल गेट है ये, NH
34 लिखा है बट गूगल मैप के हिसाब से ये NH12 है। এটা ক্যামেরা ক্যামেরা হ্যাঁ সব ভিডিও করছি হ্যাঁ এটা ইউটিউবে দেখতে পারবে ইউটিউবে হ্যাঁ আজকে না এক সপ্তাহ পর পাবে এক সপ্তাহ পর এক সপ্তাহ পর হ্যাঁ চলো টাটা। তো আমি উনসে বেঙ্গলি মে বাত কিয়া ও পুছ রহে থে ইয়ে ক্যা হ্যায় তো মানে বাতায়া ইয়ে ক্যামেরা হ্যায় বোলে ক্যা হো রাহা হ্যায় ভিডিও রিকর্ডিং হো রাহা হ্যায় কাহাঁ পে আয়েগা মানে বোলা ইউটিউব পে আয়েগা জাস্ট নর্মাল বেসিক কোয়েশ্চেন জো সব পুছতে হ্যায় অর ক্যা। ও ভাই ইয়ে ক্যা বাইক ঝটকে মার রহি হ্যায় ও ভাই তেল খতম হো গিয়া নাই 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 রিজার্ভ মে লাগ গিয়া বাহ ইতনা জলদি ওহো ইতনা কম মাইলেজ দে রহি হ্যায় মেরি বাইক চলো কোই নাই সামনে পেট্রোল পাম্প সে ফুল করা লেতে হ্যায় चलिए जी फटाफट से ग्लव्स पहन लेते हैं अब। चलो स्टिल 5 hours 2 minutes रिमेनिंग 205 किलोमीटर अभी भी बचा हुआ है और यस दादा भाई होटल में अभी थोड़ा सा रुक करके लंच किए। अब बाइक को थोड़ा सा भगाना पड़ेगा थोड़ा सा खींचना पड़ेगा क्योंकि गूगल मैप के हिसाब से हम लोग पहुँचेंगे सिलीगुड़ी 9:25 में जो कि बहुत रात हो जाएगा और शाम लगभग 6:30-6 बजे के आसपास इधर हो जाता है तो 2 से 3 घंटा कंटिन्यू अंधेरे में बाइक चलाना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो देखते हैं जब तक सूरज मामा का प्रकोप रहता है तब तक कितना दूर तक डिस्टेंस कवर कर पाते हैं। और अभी तो मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा है। जिस होटल में अभी खाना खाने रुका था वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करते समय मैं अपना इस GoPro का सारा फुटेज देखने के लिए बैठा तो जब मैं GoPro का फुटेज देख रहा था पता है मुझे क्या मिला? आधे से ज़्यादा फुटेज बर्बाद हो गए। किसी में माइक का प्रॉब्लम हो गया है, कोई लीनियर में शूट हो गया है, बहुत तरह का प्रॉब्लम हो गया। मतलब मेरा तो किसी में साउंड आ रहा है किसी में नहीं आ रहा है। आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। मतलब कुछ समझ में नहीं आया मेरे को, वहीं पे मेरा दिमाग ख़राब हो गया। अरे यार मैं जब माइक के साथ कुछ किया नहीं यार, माइक कैसे ख़राब हो सकता है? और ख़राब होना ही था तो आज ही वाले दिन ख़राब होना था जब मैं घर से इतना दूर एक राइड पर जा रहा हूँ तभी। मतलब भगवान भी ना यार, सच क्या बोलूँ मैं। एक्चुअली मेरे GoPro में 3 मोड है, सुपर व्यू मोड, वाइड मोड और लीनियर मोड। लीनियर मोड में थोड़ा कम स्पेस कैप्चर होता है, वाइड में थोड़ा ज़्यादा और सुपर व्यू में बहुत ही ज़्यादा। तो जब भी मैं बाइक पे रहता हूँ तो मैं सुपर व्यू में ही शूट करता हूँ। तो पता नहीं कैसे लीनियर में हो गया। अब जो जो अच्छा फुटेज सब आया वो सब मैं तो एडिट करके आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, बट बहुत ही ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब हो गया। अब इस फ्रस्ट्रेशन में मैं कैसे बाइक चलाऊँ कैसे राइड करूँ, टफ है यार। मूड ही ख़राब हो जाता है ये सब देख करके। मेरे से और एक बहुत बड़ा गलती हो गया कि कल रात को मैं 2:30 बजे सोया और 4:30 बजे उठ गया। मतलब सिर्फ 2 घंटों की नींद ली है मैंने इस राइड के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। अभी कुछ ही घंटों में 1-2 घंटे बाद जब ये सूरज ढल जाएगा ना तो मेरा आँख बहुत ही ज़्यादा लगने लगेगा। अभी से ही थोड़ा दिक्कत सा फील हो रहा है। तो इस तरह की गलतियां आप मत करो। तो इस तरह का टिप एंड ट्रिक्स मैं आपको देता रहूंगा जैसे जैसे मेरे को याद आता रहेगा। कंटिन्यू वीडियोस देखते रहिएगा। ओके ओ माय गॉड व्हाट इज दिस? ओ दिट इज कॉल्ड गिट्टी। राइट स्टोन चिप। दूर से देख के समझ में नहीं आ रहा बट देख के आ रहा है समझ में। ये बड़ा स्टोन चिप है, ये उससे पतला है, वो एकदम पतला वाला स्टोन चिप है। मतलब बालू टाइप का है वो वाला। ओहो सामने का रास्ता देखिए पूरा धूल से कैसा हो रखा है। कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं। ये क्या, पूरा ट्रक पलटा हुआ है। सिट यार। और अपने को तो ऊपर वाले रास्ते से जाना था, नीचे कैसे आ गए हम? ऊपर कैसे जाएंगे? ये तो पेट्रोलियम का ही ट्रक है पूरा, भारत गैस। यार ये तो बहुत ही गलत सीन हो गया। कितना ज़्यादा नुकसान हो गया होगा इसका तो। यार ये पक्का ओवरटेकिंग के चक्कर में ही हुआ होगा, ड्राइवर को भी चोट आया होगा। सेट वो पूरा कांच टूट गया है सामने का। बहुत गलत सीन हो गया बट अपने को अब ये ऊपर उठना पड़ेगा। यहाँ पे रुक के फ़ायदा नहीं है क्योंकि हम तो इस ट्रक को उठा नहीं सकते हैं और पुलिस यहाँ पे आई हुई है ही और अपना तो लेट हो ही रहा है एज़ यूज़ुअल। चलो यार एक्सीडेंट देख करके ना डर लग जाता है।
इसीलिए बोलते हैं यार ट्रक वालों थोड़ा संभल के चलाओ, तुम तो गिरते ही हो, हम लोग को ले के गिर जाते हो। ओ भाई डर लगता है कहीं ये ब्रिज टूट के नीचे ना गिर जाए, पूरा काठ का ब्रिज है, मतलब बांस का ब्रिज है पूरा। ओ भाई टफ है यार टफ है। सोचो यहाँ से गिरे तो कहाँ जाएंगे, वैसे ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, ज़्यादा गहरा होगा नहीं ये नाली। तो अभी बज रहे हैं रात के 9:06 और अभी लगभग 10 मिनट पहले अभी इस होटल में विजिट किए हम लोग, और ये प्रॉपर सिलीगुड़ी हम लोग नहीं पहुंच पाए। अभी हम लोग कुछ इस्लामपुर करके जगह है, मैं आप लोगों को गूगल मैप में दिखाता हूँ, इस्लामपुर करके कोई जगह है, तो यहीं पर अभी रुके हुए हैं और बस अभी जाना है, रूम में फ्रेश वगैरह होना है, अभी फ्रेश भी नहीं हुए हैं, बाहर जा कर के कुछ खाएंगे, डिनर करेंगे, फिर आ कर के सोएंगे, फिर कल निकलेंगे गैंगटॉक के लिए। यहाँ पे अपनी बाइक भी बहुत अच्छे से पार्क हो गई है, जो कि मैं कल वीडियो जब शूट करूँगा तब दिखा दूँगा। अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मेरे चेहरे से आप लोग को पता चल ही रहा होगा, तो अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर से कर दें। चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेफ रहिए, घूमते फिरते रहिए, टाटा बाय बाय। नहीं वो वीडियो बन, हाँ सर डॉक्यूमेंट्स कोलकाता से सर।